अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एस एन एस 24 में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, असिस्टेंट सिविल सप्लाई ऑफिसर तनुजा और इंस्पेक्टर इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के ओल्ड सिटी पहुंचकर खुला बेचने वाले पेट्रोल की दुकानों पर रेड मारी और उनके कब्जे से खुला पेट्रोल को जब्त किया और उनको केसेस भी बुक किए। उन्होंने ये भी बताया है कि मीडिया से बातचीत करते हुए कि खुला पेट्रोल बेचने वालों के ऊपर सख्त से सख्त केसेस बुक कर देंगे। हाल ही में एक वाक़या पेश आया था, रेप कर पेट्रोल डालकर जला दिया गया। इसकी वजह से सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट ने यह कदम उठाया है कि कोई खुला पेट्रोल बेचेगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कानून की कार्रवाई की जाएगी और उनके ऊपर केसेस बुक कर जेल को भेज दिया जाएगा। इसी के साथ की एक रिपोर्ट देखते हैं सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट के हायर ऑफिसर की। पेट्रोल की दर भी सेल कर रहे, उसको सीज कर दे रहे, जैसा किराना स्टोर्स में, पंचर दुकानों में, वेजिटेबल्स के पास और छोटे छोटे दुकानों में लूज पेट्रोल ला ले रहे, सेल कर रहे। और ये एज पर द लाइसेंस ही सेल करने का रहता। पेट्रोल पंप वालों को भी कल सीआरओ मैडम इंस्ट्रक्शंस दे दिए, लूज पेट्रोल नहीं बेचना। कोई इमरजेंसी में कुछ गाड़ी रुक गया, उनको लूज पेट्रोल होना, वो भी हाफ लीटर मिलता, वो भी विद प्रॉपर आईडी, आधार कार्ड नहीं तो ड्राइविंग लाइसेंस दिया तो उनको हाफ लीटर या वन लीटर देते गाड़ी स्टार्ट करने को, उससे ज़्यादा तो ये नहीं करता। आज हम लोग मेहंदीपट्टनम, तोली चौकी, शेखपेट, गोलकंडा, याकुतपुरा, ओल्ड सिटी पूरे रेड कर रहे हैं। तो ये जो भी है उनके ऊपर केसेस लगाते हैं। लूज पेट्रोल बॉटल में सेल ही नहीं करने का है, ठीक है ना? और कुछ